कोई भी प्रॉब्लम हम लोग ने क्या देखा था, कन्वोल्यूशन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में एंड कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आगे देखेंगे वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बेसिक से प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हम लोग को कन्वोल्यूशंस में पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम्स आर टू सच सब्जेक्ट्स इन विच हम लोग क्या छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन फ्रेम करेगा सिग्नल एंड सिस्टम में एंड कंट्रोल सिस्टम में, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ओके। अगर वो चाहे तो कर सकता, बट बेसिकली क्या होता है 90% ऑफ टाइम्स में क्या होंगे, वो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा, जो कि अक्सर हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। जो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और हमारे दिमाग से जनरली निकल जाता है, या फिर हमें या तो हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता या फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इट कैन बी आइदर ऑफ द टू। सो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ताकि जब हम लोग फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम किसी भी क्वेश्चंस में फंसे नहीं। तो जब आज हम लोग का LTI सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो LTI सिस्टम हमारा क्या बेसिकली मॉड्यूल 2 का है यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जब हमारा LTI सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइप के क्वेश्चंस मिले या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस मिले, ठीक है, जो कि कहीं आपको और अदर बुक में, जैसे आप प्रीवियस ईयर खोलिएगा तो प्रीवियस ईयर में तो आपको कुछ बुक्स मतलब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, या इधर वो गेट ESC का हो या फिर यूनिवर्सिटी का हो। लेकिन आप लोग को और चाहिए कि आप लोग को क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर जनरली उस टाइप का फ्रेम्ड क्वेश्चंस आप लोग को जनरली और कहीं नहीं मिलेगा, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी टाइप्स के क्वेश्चंस और मिले, यूनिवर्सिटी टाइप के सेट पेपर्स मिले, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, यूनिवर्सिटीज टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्नोहेराल्ड टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक यूज टू हो जाइए यूनिवर्सिटीज टाइप के क्वेश्चन से, ताकि जब आप लोग एग्जाम्स में जाइए तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए बिना कोई डर के, ठीक है, ताकि आप लोग अपना वहाँ पे 100% अपना एफर्ट दीजिए और आपको जितना भी नॉलेज है सिग्नल एंड सिस्टम में या कंट्रोल सिस्टम या किसी भी पेपर में, तो जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना जाएं तो आप अपना 100% डिलीवर कर पाएँ। प्रॉब्लम्स अक्सर क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ, उनके पास नॉलेज तो होता पर वो डिलीवर नहीं कर पाते। बहुतों के साथ प्रॉब्लम होता है, आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मतलब आपको आ रहा लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, मींस आपको आइडिया तो है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा, आपको कुछ रिकॉल होगा, बट आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो वही चीज़ को हम लोग ने ओवरकम करने के लिए, आपके इस डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चंस फ्रेम्ड किए हैं हम लोग, तो जो कि आपको हेल्पफुल होगा आगे चल के। तो जब आप लोग उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, रियल एग्जाम्स में परफॉर्म करने जाइएगा, तो ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम पे। फिर सिग्नल एंड सिस्टम में हम लोग ने क्या बोला, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिग्नल है X(t) कन्वोल्यूशन विथ डेल ऑफ t-t0, ओके। सो बेसिकली डेल ऑफ t-t0 क्या है, डेल ऑफ t हमारा क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल, एंड डेल ऑफ t-t0 क्या होता है, शिफ्टेड इम्पल्स। शिफ्टेड इम्पल्स मीन्स जैसे अगर हम लोग डेल ऑफ t फ्रेम करें तो t=0 पे हमें क्या मिलता है, इम्पल्स, ये क्या हो गया, डेल ऑफ t, ओके। और अगर हम लोग डेल ऑफ t-t0 फ्रेम करना चाहें तो हमें कहाँ पे इम्पल्स मिलेगा, एट t=t0 पे इम्पल्स मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ t-t0, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल ऑफ t-t0 हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, शिफ्टेड ऑफ इम्पल्स। तो इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कन्वोल्यूशन करेंगे, क्या हमारा
ये है कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है ये। कॉन्वोल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ओके, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ये हमें दे देगा। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं, बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी था, ठीक है, जिसे हम लोग ने यूज़ किया। तो ये हमें क्या देगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अगर हम लोग अपने प्रीवियस क्लास को रिकॉल करें, अपने प्रीवियस क्लास को रिकॉल करें, जब हम लोग ने इम्पल्स सिग्नल्स की प्रॉपर्टी देखी थी, कंटिन्यूस इम्पल्स की प्रॉपर्टी देखी थी, तो हम लोग ने दो तीन प्रॉपर्टीज देखी थी। उसमें से एक ये था कि अगर एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ है डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो ये हमें क्या दे देगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये हमें ऐसा कुछ देता था, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। और क्या था, एक था माइनस टी वन से टी टू एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी। ये हमें क्या देता था, ये हमें देता था एक्स ऑफ टी नॉट, लेकिन इसके लिए कंडीशन थी कि जो हमारा टी नॉट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, टी वन से टी टू के बीच में। ओके, एक्स ऑफ टी कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, टी वन से टी टू के बीच में, और अगर नहीं लाई कर रहा तो देन जीरो, ठीक है, अदरवाइज। ठीक है, ये हमको क्या करना है, रिकॉल करते रहना हमें हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट, हर एक आइडिया को क्या करना है, रिकॉल करना है। सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम आर टू सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं जिनको हमको ध्यान देना, नहीं तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। हम कोई भी अगर अच्छा क्वेश्चन सेट करता है तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे आइडियाज़ को यूज़ करके क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, और ये आप बोल सकते हैं, एक तीसरा प्रॉपर्टी हो गया थर्ड वन, कि एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट आपको क्या देगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट देगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट देगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना, ठीक है, आपको इसको याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया भैया, चलिए अब फिर से कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, फिर से कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी क्या देता है, वाई ऑफ टी। ओके, अगर हम लोग हमारे पास दो सिग्नल है, एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, दो सिग्नल है एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी, जिसको कन्वोल्यूशन करने पर हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, वाई ऑफ टी, जिसका अगर हम लोग कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करें तो हमें आंसर जो मिल रहा था, जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, वाई ऑफ टी आ रहा था। ओके, तो अगर हमारे पास, अगर हम लोग ने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, एक्स ऑफ टी का एक डेरिवेटिव ले लिया, तो एक्स ऑफ टी के मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डैश टी, दो बार करेंगे तो एक्स डबल डैश टी, ठीक है, एच ऑफ टी को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एच डैश टी, दो बार किया तो एच डबल डैश टी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह मान लेते हैं अगर इसको हम लोग m टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ऑफ टी को एम टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एम एथ ऑर्डर ऑफ टी, मीन्स क्या हुआ, इसका एम एथ ऑर्डर का डेरिवेटिव, और इसे क्या लिख सकते हैं, एच एन ऑफ टी, ठीक है, मीन्स एच ऑफ टी का एन एथ ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
एम और एन क्या है, एन ए थोड़ा डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह मान लेते एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी का कन्वोल्यूशन क्या आ रहा था, वाई ऑफ टी। एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी का कन्वोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा था, वाई ऑफ टी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो फिर जो हमारे पास अगर हम लोग एक्स ऑफ एम टी कन्वोल्यूशन विद करें एच ऑफ एम ऑफ टी, तो हमें क्या आएगा, क्या आएगा, वाई टू द पावर एम प्लस, पावर नहीं है ये बेसिकली ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वाई का जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा वो एम प्लस एन आ जाएगा, वो एम प्लस एन आ जाएगा। ओके, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, वो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। एक्स एक्स का अगर हम लोग ने mth ऑर्डर डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लिया और h का mth ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, अच्छा दोनों में मैंने m लिख दिया क्या, एक n होगा, एक n होगा। अगर यहाँ भी m होता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ये क्या हो जाता, ये 2m हो जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, इसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल वाई आएगा उसका क्या आएगा, एम प्लस एन एथ ऑर्डर डेरीवेटिव, एम प्लस एन एथ ऑर्डर डेरीवेटिव। ये बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही की पॉइंट है। इस पर बेस्ड ये ऐसा पॉइंट है, ये अक्सर दिमाग से निकल जाता है या फिर हमें पता नहीं होता, लेकिन इस पर बेस्ड अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें पता नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एम एथ। मतलब अगर हमारे पास दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन दिया हुआ है और फिर उस सिग्नल का डिराइव डेरिवेटिव करके कन्वोल्यूशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा था उसको उसको भी हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसका डेरिवेटिव, और वो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट आंसर। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें कि एम और एन क्या हमारे पास, यह ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन, ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है। ओके, ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना क्लियर है। तो हम लोग ने क्या किया, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, अगर हमारे पास वाई ऑफ टी आ रहा था तो अगर हम लोग उसका फिर एक्स ऑफ टी का एम एथ ऑर्डर डेरीवेटिव लें, एच ऑफ टी का एन एथ ऑर्डर डेरीवेटिव लें, तो हमारे रिजल्टेंट सिग्नल का एम प्लस एन एथ ऑर्डर डेरीवेटिव आएगा। ओके, चलिए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया वन, ये वन नंबर हो गया। ओके, अब आते हैं टू पे। तो टू पे क्या हो रहा, जब हम लोग ने बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम कवर किया था वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स में क्या पढ़ा था, शिफ्टिंग पढ़ा, स्केलिंग पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्केलिंग। तो वहाँ बेसिकली हम लोग क्या करते थे, जो हमारा टाइम सिग्नल होता था टाइम एक्सिस, उसको हम लोग क्या करते थे, स्केल कर देते थे। ओके, उसको हम लोग क्या करते थे, स्केल कर देते थे। तो स्केलिंग करने की वजह से दो चीज़ होती थी, या तो कंप्रेशन होता था या फिर एक्सपेंशन होता था, या तो कंप्रेशन होता था या एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल होता था। कंप्रेशन कब होता था, जब अल्फा ग्रेटर देन वन हो तो कंप्रेशन होता था, और अल्फा जब लेस देन वन हो तो एक्सपेंशन होता था। तो वही उसी तरह एक हम लोग एक यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि अगर एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी हमें क्या मिल रहा, वाई ऑफ टी। ओके, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी क्या मिल रहा हमें, वाई ऑफ टी। तो एक्स ऑफ अल्फा टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ अल्फा टी हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन अल्फा मॉड अल्फा वाई ऑफ, वन अपॉन मॉड अल्फा इंटू वाई ऑफ अल्फा टी। ओके, क्लियर है। तो एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी हमें क्या मिल रहा था, वाई ऑफ टी। तो एक्स ऑफ अल्फा टी मीन्स अगर जब हम लोग टी को स्केल कर दें अल्फा टी से, और फिर एच ऑफ अल्फा टी का कन्वोल्यूशन ले, एक्स ऑफ अल्फा टी और एच ऑफ अल्फा टी का कन्वोल्यूशन ले, तो हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन मॉड अल्फा इंटू एच ऑफ अल्फा टी, वन अपॉन मॉड अल्फा इंटू एच ऑफ अल्फा टी मिलेगा। ओके,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्या थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम लोग कहाँ आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका कन्वोल्यूशन लिए किसके साथ, एच ऑफ टी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी अगर मिल रहा था। ओके, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग, हमारे पास क्या है, दो सिग्नल है जो अभी तक देख रहे थे, एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, उसका कन्वोल्यूशन ले रहे थे तो क्या मिल रहा था, वाई ऑफ टी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मान लेते हैं जो हमारे पास एक्स ऑफ टी था उसका एरिया कितना था, ए वन ए एक्स मान लेते हैं। ओके, जो हमारे पास एक्स ऑफ टी था उसका एरिया कितना था, ए ऑफ एक्स, और एच ऑफ टी था उसका एरिया कितना था, ए ऑफ एच। ओके, एक्स ऑफ टी का एरिया कितना था, ए ऑफ एक्स, और एच ऑफ टी का एरिया कितना था, ए ऑफ एच। तो वाई ऑफ टी का एरिया कितना हो जाएगा, वाई ऑफ टी का एरिया हो जाएगा ए ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ एच। ओके, ए ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है, ए वाई बोल सकते हैं, ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ऑफ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या है, ए एक्स ए एच ए वाई क्या है, ए एक्स जो है एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, ए वाई क्या है, एरिया ऑफ y ऑफ t, और ah क्या है, एरिया ऑफ h ऑफ t। ओके, तो x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ, x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t अगर हमें y ऑफ t दे रहा था, तो मान लीजिए x t का जो एरिया था वो ax है और h ऑफ t का जो एरिया है वो a ऑफ h है, तो y ऑफ t का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, a ऑफ y आएगा, ठीक है, और जो कि a y कितना होगा, ax एक्स मल्टीप्लाइड विथ ए एच, ए एक्स मल्टीप्लाई विथ ए एच। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अब देखिए आप तीनों जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने यूज़ किया इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज जो हम लोग ने प्रूफ किया यूज़ किया उसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसे आपको याद तो रखना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, डायरेक्ट इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, इनका एप्लीकेशन पार्ट यूज़ करना है। ओके, लेकिन मैं फिर अभी आपको बताता हूँ कि ये आएंगे कैसे, ये प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इस वाले का एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई, ए ऑफ एक्स और ए ऑफ एच इक्वल्स टू, अगर दो अलग अलग सिंबल हैं जिसके एरिया, दो अलग अलग सिग्नल है एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी जिनका एरिया क्या है ए ऑफ एक्स और ए ऑफ एच, तो इनका अगर कन्वोल्यूशन लेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा तो उसका एरिया कितना आएगा ए एक्स मल्टीप्लाई विथ ए एच। तो इसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर सिग्नल है, ठीक है, मान लेते हैं माइनस वन से वन और फिर ये वन, और इसको फिर सेम सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो एक ट्रायंगुलर आता है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा एरिया टू, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा टू, क्लियर है, इसका एरिया कितना है टू, इसका एरिया कितना है टू, और जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा, ठीक है, तो इसका एरिया अगर हम लोग निकाले तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी कितना आ जाएगा फोर। ओके,
इसका जो एरिया आया कितना आया, 4 आ गया। तो हम लोग ने देखा कि इसका एरिया 2 था, इसका एरिया 2 था, इसका 4 आ गया, मीन्स ये मल्टीप्लाइड विद दिस गिव्स दिस, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 गिव्स 4। तो जो हमारा सिग्नल था उसका रिजल्टेंट एरिया कितना आ गया, 4। तो इसी तरह अभी ये कैसे आया, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि दो एक स्क्वायर सिग्नल है, बेसिकली रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ये एक रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगुलर, उसका कन्वोल्यूशन ट्रेंगुलर कैसे आ गया। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है। लेकिन अभी आप ध्यान, अभी के लिए आप ये समझिए कि इसका एरिया 2 था, इसका एरिया 2 था, तो जो रिजल्टेंट एरिया आया कितना आया, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये दोनों का क्या आया, मल्टीप्लीकेशन। ओके, एरिया 1 और एरिया 2 का मल्टीप्लीकेशन हमारा रिजल्टेंट सिग्नल का आंसर आया, रिजल्टेंट सिग्नल का एरिया आया। ओके, तो उसी तरह आप लोग चाहें तो इसको और इसको भी डिराइव कर सकते हैं, उसको और एक एग्जांपल लीजिए x of t और एक एग्जांपल लीजिए h of t, उसका कन्वोल्यूशन निकालिए जिसे आप y of t मान लीजिए, फिर क्या कीजिए उस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और फिर दूसरे सिग्नल को भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर उसका कन्वोल्यूशन लीजिए, तो जो आपको वाई, फिर जो आपको आंसर आएगा, अब फिर आप जब दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे तो आपको ये आंसर मीन्स ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग स्केलिंग का भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि तीन प्रॉपर्टीज़ देखी, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी अगर वाई ऑफ टी दे रहा था तो इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट देखा था, फिर स्केलिंग वाला पार्ट देखा था और फिर एक एरिया प्रॉपर्टी देखी थी कन्वोल्यूशन की, क्लियर है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, चलिए अब एरिया प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि 1/1 + t² कन्वोल्यूशन विथ 1/1 + t² हमें क्या देता है, a/1 + 0.25 t². ओके, 1/1 + t² कन्वोल्यूशन विथ 1/1 + t² हमें क्या दे रहा है, a/1 + 0.25 t². तो आपसे पूछ क्या रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, आपको क्या करना, ए की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो जब आपको 1/1 + t² + 1/1 + t² का कन्वोल्यूशन दिया हुआ और आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वह a/1 + 0.25 t² आ रहा, अब आपको क्या करना, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आप इसे कन्वोल्यूशन से सॉल्व करने जाएं, अब आप अगर इसका क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर लें, 1/1 + t² का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो तो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर उसका कन्वोल्यूशन उसके ही साथ लीजिएगा तब आपके पास जो आंसर आएगा, तो वहाँ से अगर आप करने जाइएगा तो हो सकता है कि आप ना कर पाए, मैक्सिमम चांसेस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ही नहीं कर पाएंगे इसको। तो जनरली गेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी आते हैं, ठीक है, या कोई भी सिग्नल, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में क्या है, छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज पे, छोटे छोटे ट्रिक्स पे या छोटे छोटे आइडियाज़ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसको आप अपने को क्या करना है, उस लेंदी वे में नहीं जाना है, इसका कुछ शॉर्टकट फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा था, इसका शॉर्टकट क्या होगा कि अभी हम लोग ने क्या देखी थी, एक एरिया प्रॉपर्टी देखी थी कन्वोल्यूशन की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अगर एक सिग्नल का एरिया ए है और दूसरे सिग्नल का एरिया बी है, उसको अगर हम लोग
कन्वोल्यूट करेंगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा उसका एरिया क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, ऐसा कुछ देखा था अभी हम लोगों ने। तो अगर हम लोगों को इसका एरिया मिल जाए, ओके, इसका एरिया मिल जाए और इस, तो हमें दोनों सिग्नल आइडेंटिकल है तो दोनों का एरिया मिल जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इसका भी एरिया अगर मिल जाए तो, क्योंकि दो ये दोनों सिग्नल जो है ऑलमोस्ट देखने में सेम जैसा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें करें तो हम लोग इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जब उसे हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमें शायद एक ही वैल्यू मिल सकती है। क्या हो सकता है, हमें एक ही वैल्यू मिल सकती है। तो अब बात आई कि 1/1 t² का एरिया हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ट्रेंगल है तो उसकी एरिया क्या होती है, हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू लेंथ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। और अगर एक सर्कल है तो उसकी एरिया क्या आती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह अगर डिफरेंट शेप्स है तो उसके एरिया के फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि 1/1 t² का आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, कोई आइडिया है आपके पास कि आप लोग 1/1 t² का एरिया कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपको जब भी कोई भी सिग्नल का एरिया क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट द उसके और जो टाइम एक्सिस है, जो बिलो एक्सिस है उसके बीच का जो पूरा कवर करता है जितना भी पार्ट, वो उसे हम लोग क्या करते हैं, एरिया कहते हैं। तो एरिया निकालने का एक और तरीका है अगर आपको ध्यान में हो तो, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सिग्नल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सिग्नल है, ठीक है, y = t, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा, y = 2 लाई कर रहा, 0 से 5 के बीच में, ठीक है। y = 2 लाई कर रहा कहाँ से कहाँ तक, y = t लाई कर रहा 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, और 0 से 5 के बीच में हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से 5 y(t/dt) तो क्या हमें इसका एरिया मिल जाएगा, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की यूज करके। तो अगर हम लोग इस सिग्नल का इंटीग्रेशन निकाल लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो शायद हमें इसका एरिया मिल जाए। तो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स ट्राई, गिव इट अ ट्राई। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए एरिया फाइंड आउट करने का, फिर जब नहीं बने तो इधर आप लोग एक बार हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 t² dt, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2 आ जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई, ठीक है। तो इसका आपका आंसर कितना आया, इसके अंडर का एरिया कितना आ गया, बेसिकली ये क्या है आपका, बेसिकली एरिया। तो एरिया कितना आ गया आपके पास, पाई। कितना आ गया आपका, आपके पास जो एरिया आया वो कितना आया, 1/1 t² कन्वोल्यूशन विथ 1/1 t² आपके पास क्या आ रहा था, a/1 + 0.25 t², ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से 0.25 कॉमन ले लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके भी कुछ इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो 1/1 t² कन्वोल्यूशन विथ 1/1 t² इज इक्वल्स टू a/0.25 हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 1
0.25 प्लस टी स्क्वायर, ओके। और ये 0.25 जब ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 ऑफ a अपॉन 0.25 प्लस टी स्क्वायर। या फिर इसको नीचे ही रहने दीजिए, इसको क्या करते हैं हम लोग नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 0.25 इंटू ए अपॉन 0.25 प्लस टी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गया लग रहा है, ठीक है। जब हम लोग 0.25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप लोग इसको 1 कर लीजिए, यहाँ a कर लीजिए, ओके। तो जब आप लोग सिमिलर इसका भी एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो आता है 1 अपॉन a tan inverse t अपॉन a। तो यहाँ पे 1 अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर था यानी 2 और tan inverse t बाई 2 आ जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा वो पाई बाई 2 आएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। नहीं नहीं रुके एक मिनट, तो यहाँ से जब आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो a अपॉन 0.25 इंटू जो इसका आंसर आएगा वो a इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। इसका भी पाई आ जाएगा क्योंकि tan इन्वर्स इन्फिनिटी आएगा 1/2, tan इन्वर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 फिर प्लस पाई बाई 2, ओके। तो ये बेसिकली 1/2 पाई आ जाएगा आपके पास। तो ए को मैंने दो बार लिख दिया, क्या दो बार नहीं होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ओके। और इधर क्या आ जा रहा, इधर आ रहा आपके पास पाई स्क्वायर, इधर आ रहा आपके पास पाई स्क्वायर, ओके। तो आप एक पाई से एक पाई कट गया तो यहाँ क्या बचा, ये हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो 4a अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2। तो हमारा आंसर निकल गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2। तो हम लोग ने क्या किया, a अपॉन 0.25 था यहाँ पे, हम लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या किया हम लोग ने जब 0.25 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा ना कि 0.25 बचेगा। तो 0.25 को जब फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो ये 1 हो जाएगा, पहले क्या था 1 ही, और फिर 0.25 टी स्क्वायर। तो जब 0.25 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो बचा वो बचा 4 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन a tan inverse t by a। फिर जब आप लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो 1/2 तो कॉमन आ गया और ये आ जाएगा पाई। तो वही 1/2 और पाई आप हम लोगों ने यहाँ लिखा और a अपॉन 0.25 को ये लिखा। तो जब आप लोग फर्दर सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो पाई बाई 2 आ जाएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी पाई बाई 2। तो देखिए ये इस प्रोसेस से कितना सिंपल हो गया, अभी हम लोगों को कन्वोल्यूशन नहीं पता था, एरिया प्रॉपर्टीज उतनी हम लोग ने इंटीग्रेशन में, जब आप लोग क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिएगा तो आप ये सब क्वेश्चन कितना आपको लगेगा हार्डली वन टू टू मिनट्स में आप सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे तो आपको समझाना था बताना था इसीलिए, और यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट्स। तो क्या आप अगर बिना एरिया प्रॉपर्टी का यूज़ किए इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर बिना एरिया प्रॉपर्टी का यूज़ किए आप इसके सॉल्व करने जाते हैं, बिना एरिया प्रॉपर्टी का यूज़ किए आप इसको सॉल्व करने जाते तो मे भी आपसे नहीं होता,
मे भी आपसे नहीं होता, आप अगर बहुत ट्राई करते तो शायद सॉल्व कर लेते किसी तरीके से, वो इसका एरिया निकाल के, इसका एरिया निकाल के। लेकिन एरिया प्रॉपर्टी से क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, दो या तीन स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर सॉल्व कर लिया, ऐसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यही है कि सिग्नलिंग सिस्टम हमें सारी प्रॉपर्टीज, सारे रिजल्ट्स हमें पूरा याद होना, आवर फिंगर ट्रिप्स होने चाहिए, ऑन आवर फिंगर टिप्स होने चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ आपको फिर बहुत ही ईजी लगने लगेगा जब आप सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने लगेगा, समझने लगेगा। तो दीज आर नथिंग, मैंने पहले भी बताया था, दीज आर जस्ट टूल्स, जिसको आप लोग एक सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ये टूल्स है जो आपको फर्दर अगले आगे वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ये सब जब आप लोग पढ़िएगा कम्युनिकेशन, तो आपको सिग्नल सिस्टम्स का यूज़ आएगा उसमें, ओके। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम लोग ने क्या देखा, एरिया प्रॉपर्टीज़ देखी, एरिया प्रॉपर्टीज़ देखी। चलिए आप इसे हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अभी हम लोगों ने कितने देखी प्रॉपर्टीज, तीन। एक और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर x ऑफ t कन्वोल्यूशन y ऑफ t है, ठीक है, x ऑफ t कन्वोल्यूशन y ऑफ t है, इसे h ऑफ t ले लेते हैं, x ऑफ t कन्वोल्यूशन y h ऑफ t अगर y ऑफ t है, ठीक है, एक्स टी और एच टी का कन्वोल्यूशन वाई टी है। तो अगर हम लोग एक्स टी को शिफ्ट कर दें अल्फ़ा से, एक्स टी माइनस अल्फ़ा, ठीक है, एंड देन कन्वोल्यूशन विथ इसको शिफ्ट कर दें बीटा से, टी माइनस बीटा, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वाई ऑफ टी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, वाई ऑफ टी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। इस पे बेस्ड छोटे छोटे अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लें, तो आपकी ये वाली भी जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी क्या हमारी इम्पोर्टेंट है, ओके। कि अगर हम लोग एच टी को अल्फ़ा से शिफ्ट कर दें, उसका कन्वोल्यूशन ले एच टी से, जिसको हम लोग ने बीटा से शिफ्ट कर दिया, तो जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा से शिफ्टेड हो जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग, हमारे पास डेल ऑफ टी माइनस टू है, इसका कन्वोल्यूशन ले हम लोग कन्वोल्यूशन ले इसको डेल ऑफ टी माइनस थ्री से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डेल ऑफ टी माइनस फाइव, डेल ऑफ टी नहीं लीजिए, इसे कुछ और ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम एक्स टी माइनस टू, एक्स टी माइनस थ्री ले लिया, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे कि अगर हमारे पास, तो ये जो ओवरऑल इम्पल्स है ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्स टी माइनस थ्री माइनस टू बन जाएगा, यानी एक्स ऑफ टी माइनस फाइव बन जाएगा, क्लियर है, एक्स ऑफ टी माइनस फाइव बन जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको इसकी प्रॉपर्टीज यूज़ करके जब आगे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसको हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स।